दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 16 जुलाई के बीच वाइब्रेंट इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शीर्ष उद्योग से जुड़े उद्यमी और उनके उत्पादों की श्रृंखला शामिल होगी। 3 दिवसीय वाइब्रेंट इंडिया 2023 का 10वां व 11वां वार्षिक संस्करण भारत का सबसे विशाल सोर्सिंग हब है, जिसमें स्टेनलेस स्टील, हाउसवेयर, होटलवेयर, किचनवेयर, टेबलवेयर, प्लास्टिक होमवेयर, घरेलू उपकरण, उपहार और सजावट के लिए उत्तम उत्पादों आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी में हॉकिंस, मिस्टर कुक, पीएनबी, मैक्स फ्रेस, लॉयन कटलरी, भलारिया, प्रभा, प्रीलेडी, प्रिंगल, बाल्ट्रा, एंकर, नगीना, बेगानी, इंडिया गोल्ड, फेबियानो, मिंटेज, जैक्सन, रेड चिली, सेलो, एलिगेंट, टफवेयर, ब्लैक शेफ, ताजमहल, टाइगर, एंजल, डीएस मेटल, पैनासोनिक, एक्शनवेयर, रसोईया, पोगो, चार्ली स्टील और एडोरोसिल जैसे सबसे शीर्ष ब्रांड और कंपनियां हिस्सा ले रही है। कार्यक्रम के संबंध में वाइब्रेंट इंडिया 2023 के आयोजक नरेंद्र दिवाकर ने उत्साहित होते हुए कहा कि आखिरकार बहुप्रतीक्षित वाइब्रेंट इंडिया 2023 का नवीन संस्करण अब लोगों के सामने है, जिसमें अधिकांश शीर्ष अपनी कंपनियों के उद्यमी शामिल होकर अपने मशहूर ब्रांड की नवीन पेशकश करेंगे। इस 3 दिवसीय वाइब्रेंट इंडिया 2023 के 10वें और 11वें वार्षिक संस्करण से अपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार उद्यमियों के व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ाने में भरपूर मदद करेगा। गौरतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी में घरेलू सामान एवं उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसकी गुणवत्ता के लिए शीर्ष ब्रांड का चयन करते हैं। वाइब्रेंट इंडिया 2023 में शीर्ष ब्रांड के नई पेशकश के चलते लगभग 10 से 15 हजार आगंतुकों के आने की उम्मीद है, जो इस प्रदर्शनी की सफलता में अहम भूमिका निभाएंगे। 14 से 16 जुलाई के बीच आयोजित हो रहे B2B कार्यक्रम में भारतीय घरेलू सामानों और उपकरणों के क्षेत्र में बढ़ते उपभोक्ता बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध लगभग 800 से अधिक प्रदर्शकों को अपने नवाचार के साथ शामिल होने की आशा है। मैडम आगे आ रहा है, चाइना और जर्मनी की तरह एक बड़े लेवल पे एग्जीबिशन खड़ा कर रहा है। एग्जीबिशन नई दिल्ली प्रगति मैदान 14 से 16 जुलाई लगेगा और ये 3 दिन का एग्जीबिशन है, 3 दिवसीय एग्जीबिशन है, जिसमें पूरे भारत वर्ष से 15 से 20 हजार लोग आने की संभावना है। हम पूरे इंडिया में अपना कुकवेयर और अप्लाइंसेस रेंज बेच रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में हमारी बहुत डोमिनेंट पोजीशन है, पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली में हम काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है हमारा, और इस वाइब्रेंट इंडिया के माध्यम से अब हम इसको ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में लॉन्च करना चाह रहे हैं। लॉन्च हम ऑलरेडी कर चुके हैं वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में, लेकिन एक डोमिनेंट पोजीशन हम चाह रहे हैं थ्रू दिस वाइब्रेंट इंडिया एग्जीबिशन। BCN न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार।